आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स आपके एनर्जी को रिस्पॉन्ड कर। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ और वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, कई लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क होता है और कई लोगों के साथ कोई भी टेक्निक को कितने भी बार यूज कर ले तभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ डीपर पर्सपेक्टिव पे फोकस करेंगे, कुछ डीपर पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको डीपर पर्सपेक्टिव से समझ में आएगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए 100% वर्क करेगा। तो इन सारे चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो पॉइंट है, यू विल बी रेजिस्टेंट एट फर्स्ट। रेजिस्टेंस एट फर्स्ट मतलब क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, 2012-13 में मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला और उसके बाद में मैंने कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ शुरू किए। तो सबसे पहले मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी चीज जो मूवी में बताई थी वो सच में होती है। मुझे अंदर से ये बिलीव नहीं हो रहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में वर्क करता है। तो उसके बाद मैंने उस पे बहुत सारा रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो भी किताबें थी, जो भी बुक्स थी वो मैंने पढ़ी, जो भी आर्टिकल्स मुझे मिली, जो भी ब्लॉग पोस्ट थी इंटरनेट पे अवेलेबल वो मैंने पढ़ना स्टार्ट की। ये रिसर्च करने के पीछे एक ही रीजन था, क्योंकि तब मेरा कॉन्शियस माइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, इन सारे चीजों पे बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। हमेशा एक सवाल मेरे अंदर से आता था, क्या सच में हमारे विचारों में इतनी ताकत होती है कि हमारे विचारों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे विचारों को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम हमारे गोल्स को, हमारे डिजायर्स को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक इम्पॉर्टेंट स्टडी नज़र में आई। हमें इस तरह ट्रेन किया हुआ है, हमें इस प्रकार प्रोग्राम करा गया है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में ऐसी है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें इस प्रकार प्रोग्राम करा हुआ है कि हमें लगता है कि रियलिटी में मैजिक मिरेकल्स नहीं होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के गलत बिलीफ सिस्टम, फॉल्टी प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कई सारे सालों से है। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए, इस प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करने के लिए, इस ओल्ड फाइल सिस्टम को डिलीट करने के लिए टाइम लगेगा। आपको उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट डालने की जरूरत है। दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा, जस्ट बिकॉज कि आपने द सीक्रेट को जाना, उसको आप आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे तो सब कुछ वंडरफुल हो गया, ऐसा भी नहीं है। और जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में आपको कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, आपके लाइफ में कुछ बैड पैचेस आए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्ट टाइम आता है, जो भी बैड फेजेस आपके लाइफ में आते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग्स देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए आते हैं। और इसी टाइम पीरियड में हमें अपना माइंडसेट इस प्रकार ट्रेन करना चाहिए कि उस बैड टाइम से हमारा फेथ इंक्रीज हो सके, उस बैड टाइम से हमारा खुद का इनर स्ट्रेंथ, खुद का बिलीफ सिस्टम चेंज हो सके। तो दोस्तों, जब भी आपके लाइफ में ऐसा डिफिकल्ट टाइम्स आएगा, जब भी आपके लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट फेज आपको फेस करनी पड़े, तो ये ध्यान में रखो, इन सारे चीज़ों से नेचुरली जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए जल्दी वर्क नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन एक ही है, हमारी फॉल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, हमारे दिमाग में स्टोर्ड ओल्ड प्रोग्रामिंग, ओल्ड फाइल्स। तो दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी, जब भी आपको लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, तो ये एक इंडिकेशन है
कि नेचुरली आपका रेजिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले आपको इस रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा, और वो हटाना पड़ेगा नेचुरली। और वो कब होगा? जब आप आपके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएगी उसके साथ आप फ्लो में जाओगे, और उस वजह से आपका जो फेथ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आपकी जो इनर पावर्स है, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि ये रेजिस्टेंस को आपको नेचुरली हटाना पड़ेगा, नेचुरली कम करना पड़ेगा। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो पॉइंट है यू कांट फेक हैप्पी। मतलब क्या है दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे टीचिंग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे लिखते हैं कि पहले आपको यूनिवर्स से मांगना है जो आपको चाहिए, और उसके बाद में आपको ये फेथ होना चाहिए, आपको अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि वो चीज़ आपके पास आएगी, वो चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो बोलते हैं कि फेज में आपको खुश होने के लिए ट्राई करना है। मतलब डिसाइड व्हाट यू वांट, आस्क द यूनिवर्स व्हाट यू रियली वांट, वेट फॉर इट पेशेंसली, एंड इन दिस फेज यू हैव टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। पर अनफॉर्चुनेटली हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कब फाइंड करते हैं? जब हम अपने लाइफ में कुछ डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, जब आपके लाइफ में आप कुछ हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली जब इस टाइम पीरियड में, इस टाइम फेज में जब हम इस एडवाइस को सुनते हैं, मतलब आपको यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना है, आपको यूनिवर्स से मांगना है जो आपको चाहिए, और उसके बाद में वेट करना है पेशेंसली, और उसके साथ साथ ही खुश रहने की कोशिश करनी है। पर अनफॉर्चुनेटली जब हम निगेटिव कंडीशन से गुजर रहे हैं, तब फोर्सफुली हम हैप्पीनेस के स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं, और उस स्टेट में आपके कॉन्शियस माइंड को पता है अभी आपके लाइफ में निगेटिव चीजें हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा है उन सारे निगेटिव चीजों को, उन सारे निगेटिव कंडीशन को। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स आपके एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, और जब आप फोर्सफुली हैप्पीनेस के स्टेट में जाने की कोशिश करते हो एज पर द एडवाइस, उस दौरान आपका हैप्पीनेस आप फेक तरह से लाने की कोशिश करते हो, उस हैप्पीनेस को आप फोर्सफुली हैप्पीनेस ऐसा कह सकते हो। और आपको पता है यूनिवर्स एनर्जी को रिस्पॉन्ड करता है, यूनिवर्स एनर्जी के साथ सिंक करने की कोशिश करता है। जब आप हैप्पीनेस को गलत तरीके से लाते हो, फोर्सफुली लाते हो, फेक तरीके से लाते हो, तो उससे जनरेट होने वाली एनर्जी भी फेक और फोर्सफुली होती है, और उस वजह से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उस दौरान वर्क नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी फ्लॉलेसली, वेरी इजीली वर्क हो, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो जेन्युइन होनी चाहिए। जब आपकी हैप्पीनेस जेन्युइन होगी तब आपकी एनर्जी भी जेन्युइन होगी, जब आपकी एनर्जी जेन्युइन होगी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से आप यूनिवर्स के साथ ट्यून हो सकते हो, सिंक हो सकते हो। तो ये जेन्युइन एनर्जी, जेन्युइन हैप्पीनेस कैसे लाए? दोस्तों जो भी आपके लाइफ में जो भी डिफिकल्टीज से आप गुजर रहे हो उससे अटैच होते हैं इमोशंस। दोस्तों इस इमोशंस को आपको फील करना है, वी नीड टू फील दोज इमोशन टू गेट थ्रू देम। जब भी आप कोई भी निगेटिव सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ये निगेटिव इमोशंस को हमारे बॉडी से निकालना, हमारे बॉडी से डिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑल इमोशंस सर्व्स अ पर्पस। हर एक इमोशन का एक पर्पस होता है, वो आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इन सारे इमोशंस से आपको गुजरना पड़ेगा, और इन सारे इमोशंस को आपको डिसिपेट करना पड़ेगा, इस सारे इमोशन को आपको आपके लाइफ में से एग्जिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वर्क होने के लिए आपको नेचुरली हैप्पीनेस को जनरेट करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, ना कि फोर्सफुली आपको हैप्पी होना है। साइलेंस में जाइए और खुद से ये सवाल पूछिए कि कौन से ऐसे मोमेंट हैं जब आप अंदर से हैप्पीनेस को फील कर रहे हो नेचुरली, राइट? नेचुरली आप कब हैप्पीनेस को अंदर से फील कर रहे हो? वो कोई भी मोमेंट हो सकती है दोस्तों। कुछ लोगों को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद नेचुरली अंदर से हैप्पीनेस महसूस होती है, कुछ लोगों को मेडिटेशन करने के बाद वो हैप्पीनेस महसूस होती है, किसी को नेचर में जाने से वो महसूस होगी, किसी को वर्कआउट करने से वो महसूस होगी। आपका वे आपको फाइंड करना पड़ेगा, आपका हैप्पीनेस का वे आपको फाइंड करना पड़ेगा।
दोस्तों खुद से ये सवाल पूछिए, और अगर आपको वो ट्रिगर पॉइंट मिल गया, अगर आपको मेडिटेशन करने के बाद अंदर से एक हैप्पीनेस की फील हो रही है, वो आपका ट्रिगर पॉइंट है। आपको ये ट्रिगर पॉइंट नेचुरल हैप्पीनेस का एक गेटवे आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क होगा। तो दोस्तों आपको ये दो पॉइंट्स को याद रखना है। पहला पॉइंट है, नेचुरली आपको जो रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, वो नेचुरली रिमूव करना है। और दूसरा पॉइंट है कि डोंट फोर्स योरसेल्फ टू फील हैप्पी, बिकॉज दैट विल बी योर टेम्पररी हैप्पीनेस। आपको एक ट्रिगर पॉइंट फाइंड करना है कि जिसके माध्यम से आप अंदर से हैप्पीनेस को फील करो, वो भी नेचुरली। उम्मीद करता हूँ कि ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत काम आएंगे, और उसके लिए आपको इस दो पॉइंट्स पे और डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये दो लर्निंग पॉइंट्स कैसी लगी, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो इस मेल आईडी पे, और आप कमेंट भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।